नमस्कार दोस्तों, आपको नववर्ष 2019 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही हम अपनी संस्थान की ओर से कामना करते हैं। हम सभी जानते हैं कि नया साल आने से पहले हमारे मन में अपने भविष्य को लेकर जिज्ञासा बनी होती है कि यह नया साल हमारे जीवन में किस तरह के बदलाव लाने वाला है। क्या हमें पारिवारिक सुख मिलेगा, क्या हमें संतान सुख मिलेगा, हमारी करियर किस प्रकार से ग्रोथ करने वाली है, तथा हमें अपने स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं बनी रहती है। तो इन सब का निवारण करने के लिए ही मैं आपके लिए वर्ष 2019 का वार्षिक राशिफल लेकर आई हूँ। विभिन्न 12 राशियों के लिए सौर मंडल में स्थित नवग्रहों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है, आइए अब हम जानते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और साथ में दिया गया बेल का आइकन जरूर दबाए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं वर्ष 2019 कर्क राशि के जातकों के लिए किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है। आइए अब हम शुरुआत करते हैं करियर से। कर्क राशि के जातकों के लिए यह वर्ष अच्छा साबित होने वाला है। आपको मेहनत का फल अवश्य मिलने वाला है। इस वर्ष में मार्च तक का समय करियर के लिए अच्छा है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनवांछित सफलता मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। इस अवधि में आपको नौकरी या व्यवसाय में शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि होने की संभावना है। जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें साल खत्म होने से पहले नौकरी मिल सकती है। जो जातक व्यवसाय में प्रगति करना चाहते हैं या अपना व्यवसाय बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए सबसे ज़रूरी सलाह यह है कि किसी भी तरह के विवाद में ना पड़े, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें तथा कोशिश करें कि सभी समस्याएं और विवादों का हल बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से और आपस के तालमेल से ही हो। जो जातक सरकारी नौकरी में हैं, उनके पदोन्नति के लिए यह वर्ष अच्छा है। काम के संबंध में कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें, सोच समझकर ही किसी नतीजे पर पहुंचे। आइए अब हम जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन कैसा व्यतीत होने वाला है। यह वर्ष पारिवारिक सुख के लिए बेहद खास है। घर में माता पिता का स्नेह और सहयोग कदम कदम पर आपको मिलने वाला है। इस वर्ष के शुरुआत में ही आपको शुभ समाचार मिलने वाला है। आपके घर कोई शुभ कार्य साकार होने वाला है। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। मई जून के दौरान तथा नवंबर दिसंबर के दरमियान घर में आपका या घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब होने के कारण धन के साथ साथ मानसिक चिंताएं परेशान करेंगी, इसलिए अभी से सतर्क रहे। घर परिवार में सभी का स्नेह मिलेगा। भाई बहनों के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस होगी, परंतु थोड़ी देर में ही सब कुछ सही होगा। परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं तथा उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करने के लिए यह वर्ष अच्छा है। घर परिवार में शादी, नए घर का मुहूर्त, पूजा आदि का आयोजन होगा। मन प्रसन्न रहेगा। बहुत दिनों के बाद किसी से मिलने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए अच्छा है। वैवाहिक जीवन का सुख भी अच्छा मिलने वाला है। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद होते रहेंगे, पर उसका असर परिवार के अन्य सदस्य पर कम देखने को मिलेगा। आइए अब हम जानते हैं वर्ष 2019 में हमारी आर्थिक स्थिति किस तरह की रहने वाली है। इस वर्ष आपको धन के मामलों में सराहनीय उपलब्धियाँ प्राप्त होने वाली है। विशेषकर इस वर्ष के शुरुआती महीने में अच्छा धन लाभ होने वाला है। यह साल आपके लिए धन अर्जित करने तथा काम के नए अवसर लेकर आ रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। कार्यक्षेत्र तथा समाज में मान सम्मान मिलने वाला है। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, नहीं तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए जब भी धन खर्च करना हो तो फालतू के कामों पर ना करें। हालांकि आर्थिक मामलों के लिहाज से थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। आप यदि अपना कोई नया व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको धन लाभ होगा।
पहले ही चला आ रहा काम का विस्तार करने के लिए यह साल अच्छा है। साल के मध्य में खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि खर्च बढ़ने के साथ साथ आय में भी बढ़ोतरी होगी। इस वर्ष लॉटरी, पॉलिसी तथा शेयर बाजार में पैसे लगाने को लेकर लापरवाही ना बरते, अन्यथा परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहेंगी। धन के मामले में सावधानी बरतेंगे तो निश्चित रूप से यह वर्ष 2019 आपके लिए बेहतर है। आइए अब हम जानते हैं संतान के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। इस वर्ष के शुरुआत से ही आपकी संतान आपके लिए परेशानियां उत्पन्न करने वाली है। संभव है कि आपको संतान के कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। अपनी संतान की संगति पर जरूर ध्यान दें। हो सकता है वह गलत कार्य में लिप्त हो जाए, जो आपकी परेशानियों का कारण बने। बच्चों में इस वर्ष जिद पर अड़ने की आदत हद से ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए अपने बच्चों की आदतों में सुधार लाने की कोशिश करें। उनको प्यार से समझाएं, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले स्वभाव के बन गए हैं। बच्चों को डांटने की बजाय प्यार से समझाएं। बरसातों के दिनों में बच्चों की सेहत पर अधिक ध्यान दें। इस दौरान बच्चों को इन्फेक्शन और बदलते मौसम की बीमारी की समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। इस साल बच्चों की सेहत के मामले में किसी तरह की लापरवाही ना बरते, वरना बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है उन्हें अस्पताल में कई दिनों तक रहना पड़े। उनके खाने पीने को लेकर सतर्क रहे। पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती है। कुल मिलाकर इस वर्ष संतान सुख में कमी का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब हम जानते हैं शिक्षा के लिए यह वर्ष 2019 कैसा रहने वाला है। जो छात्र जीवन में आगे प्रगति पथ पर चलना चाहते हैं, उनके लिए यह साल 2019 अच्छा रहेगा। इस वर्ष आप जितना परिश्रम करोगे, जितना पढ़ाई को लेकर सतर्क रहोगे, उतनी ही आपको कामयाबी मिलेगी। इस वर्ष के 6 मई के बाद आप पढ़ाई के सिलसिले में विदेश यात्रा करेंगे तथा आपका प्रदर्शन शानदार रहने वाला है। आपका एडमिशन बड़े संस्थान में होगा। आप अपने माता पिता को कोई शुभ समाचार देने वाले हैं। हो सकता है आप टॉप करें। सरकारी नौकरी, सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, MBA जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस क्षेत्र में सफलता मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इसलिए अपने प्रयास जारी रखें और अच्छे परिणाम के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। यह आपके करियर के लिए एक बेहतरीन अवसर होगा। माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों का मन पढ़ाई से भटक सकता है, विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए अभी से सतर्क हो जाइए तथा अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कीजिए। पढ़ाई को बोझ ना समझे, प्यार और आराम से पढ़ाई करे। अपना ध्यान रखे, अपनी सेहत का ध्यान रखे। फिजूल की बातें दिमाग से निकाल दीजिए, फिर देखिए आपके अंक कितने अच्छे आते हैं। कुल मिलाकर साल 2019 आपके लिए बेहतरीन है। आइए अब हम जानते हैं वर्ष 2019 स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा। यह वर्ष स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। भविष्य कथन 2019 के अनुसार इस वर्ष आपकी सेहत थोड़ी खराब रहने वाली है। मानसिक तनाव के कारण स्वास्थ्य खराब होने के योग बन रहे हैं। बेहतर होगा किसी भी तरह का काम तनाव में ना करें। घर परिवार में होने वाले विवाद या काम से संबंधित दिक्कतें हैं तो आप उन्हें ज़्यादा तूल ना दें, वरना इनसे मानसिक तनाव और चिंता बढ़ सकती है। इस वर्ष विदेश यात्रा भी हो सकती है, इसलिए इस दौरान आरामदायक कपड़े पहने और हल्का आहार लें, ताकि सफ़र में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगस्त से लेकर सितंबर के मध्यकाल में सिर दर्द, बुखार, खांसी, जुकाम आदि आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं। फास्ट फूड से दूर रहे और सादा भोजन ग्रहण करें, अन्यथा पीलिया, लीवर से संबंधित दिक्कतें हो सकती है। इसके अलावा अनिद्रा की शिकायत भी रह सकती है। कोई पुराना रोग इस वर्ष आपको परेशान कर सकता है। अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें और तरल पदार्थ और पानी का सेवन अच्छी मात्रा में कीजिए। यदि आप योगाभ्यास करते हैं तो यह भी आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। इस वर्ष थकावट अधिक स्तर पर महसूस होगी। बरसात के मौसम में सावधानी बरतें, अन्यथा जोड़ों के दर्द,
सांस से संबंधित दिक्कतें आपको परेशान कर सकती है। आइए अब हम जानते हैं प्रेम संबंधों के लिए 2019 कैसा रहने वाला है। यह वर्ष आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही बेहतरीन और यादगार रहने वाला है। जो लोग अभी सिंगल हैं, उनको अपना लव पार्टनर इस वर्ष मिलने वाला है। आप इस वर्ष कई बार लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। आपका अधिकतर समय अपने लव पार्टनर के साथ व्यतीत होगा। इस वर्ष के मध्यकाल में कुछ अनबन होने के योग बन रहे हैं। समय रहते अपने रिश्तों में सुधार लाए। हो सकता है इसके बाद आपका रिश्ता पहले की अपेक्षा और मजबूत हो और आप दोनों के बीच आपसी विश्वास और बढ़े। ग्रहों की चाल आपके प्रेम संबंध विवाद के बंधन में बंधने की ओर इशारा कर रहे हैं। इस वर्ष आप अपने लव पार्टनर की भावना की कद्र करें। यदि अलग होने जैसी कोई स्थिति बनती है तो अपना धैर्य ना खोए और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। हमारे अनुभवी ज्योतिषाचार्यों से मार्गदर्शन ले सकते हैं। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिए। धन्यवाद।